रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 जिसमें एक खुशखबरी आ रही है कि 3 पोस्ट को मर्ज किया गया है। यह ऑफिशियल नोटिस जो आरआरसी का या आरआरबी का कहें, जो इंटरनल सर्कुलर होता है, उसमें जारी हो चुका है। टीसी, सीसी और ईसीआरसी, ये आपकी नौकरी के बाद होने वाला ये फायदा है इसमें। तो 2-3 चीज़ें का आप जिक्र यहाँ के करेंगे, टेक्निकली बात है। जैसे टेक्निकली आप जानने चाहते हैं, नोटिफिकेशन आया था तो सब लोगों ने बोला था कि ट्रेन क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट है, टीटी की पोस्ट नहीं है, और भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का पोस्ट नहीं है। तो लोगों में बहुत सारी इसके ऊपर आई थी समस्या, लेकिन हालांकि यहाँ पे 600 पोस्ट के आसपास पोस्ट है, लेकिन ये आपकी 10+2 के लिए बहुत बड़ी उम्मीद वाली पोस्ट है। तो लोगों ने बोला था मुझे रिजर्वेशन काउंटर पे काम करना है, अच्छे से काम करना है, कॉमर्शियल वाला पोस्ट था, लेकिन इस वैकेंसी में एनटीपीसी में कहीं नहीं दिख रही थी। तो लोगों ने लास्ट में इसी पोस्ट को भरा है, टीसी वाले पोस्ट को, ट्रेन क्लर्क वाला। तो ट्रेन क्लर्क में आप देखें नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि नोटिस क्या आया हुआ है। देखिएगा नोटिस का डेट सबसे पहले देख लीजिएगा, 5 अप्रैल 2019 का है, जो आरआरबी के इंटरनली जो सर्कुलर जारी होता है उसमें जारी हो चुका है, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, जिसमें आप देखेंगे क्या है इसका टॉपिक सब्जेक्ट, मर्जर ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। कौन कौन से? पाया टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीसी, दूसरा कॉमर्शियल क्लर्क यानी सीसी, और तीसरा इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी। ये सारा इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क आप जानते ही है, आपका टिकट बुकिंग का काम करते हैं, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था। कॉमर्शियल क्लर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपकी बुकिंग से रिलेटेड था, और टिकट चेकिंग स्टाफ में टीसी और टीटी दोनों आते थे। ये दोनों को भी मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। अब कुछ लोगों का आएगा कि इससे बेनिफिट क्या होगा मर्जर होने से, ये खुशखबरी कैसे है, क्योंकि ये सारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्टें थी। जब प्रमोशन होता था या कोई भी आगे की प्रमोशन की पॉलिसी आती थी, उसमें बहुत सारी अड़ंगा आती थी, कम लोग होने के कारण, सीनियरिटी और अलग अलग बिखरे होने के कारण इनको प्रमोशन में सही मात्रा में, अनुपात में रेशियो नहीं मिल पाता था, और दूसरे डिपार्टमेंट में जा नहीं सकते थे, जिसके कारण से इसको मर्जर किया गया है। इसमें लिखा भी है कि इम्प्लीमेंटेशन ओआरबी पहले का नोट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अभी भी जो पहले का है, ध्यान दीजिएगा, 1/2019 के जितने पहले कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए बोला गया है कि आप तो न्यू स्कीम में आ सकते हैं, यानी मर्जर में आ सकते हैं, या अपनी सीनियरिटी के अनुसार पहले वाले में भी बने रह सकते हैं, इसमें बताया गया है। उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे तो पोस्ट केस भी बहुत सारा चल रहा है कि मेरी सीनियरिटी है, मेरे जगह पर किसी और को पोस्ट मिल गया, या किसी आरआरबी में कहीं और मिला, किसी में कुछ और है, जिसके कारण से देख लीजिए कैट में कोर्ट इनका केस भी चल रहा है कई लोगों का। तो उसके बाद फाइनली जो इन्होंने किया है कि इट नोटेड फॉर इम्प्लेंट इतना हैज बीन प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फॉर्म करने के लिए वैकेंसी जज एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ 22/2/2018 के बाद से जो भी रहेगा सी सी ई सी ग्रुप वेयर बी फिलेड अप एक्सक्लूसिवली बाई इम्प्लाई बिलोंगिंग द ग्रुप ओनली आफ्टर दीज डन द प्रोसेस इज मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग कैडर ऑफ टेक प्लेस हावेवर द मेथोलॉजी इज नॉट बी फॉलोड बाई सम अदर रेलवे हुयर वैकेंसी डेट एग्जिस्टेड इन द कैटेगरी ऑफ सी सी ई सी आर सी नॉट बी फिलेड बाई द रिप्रेजेंटेटिव सीनियरिटी ग्रुप प्रायर फॉर मर्जर फॉर एग्जिस्टिंग कैटेगरी। उसके बाद दूसरे नंबर पेज पे जाइएगा तो दूसरा नंबर पेज यहाँ से शुरू होता है, तो दूसरे नंबर पेज में आप देखिए क्या कहता है। यहाँ कहता है कि आगे हम मर्जर एबव कर रहे हैं, जनरल रीअलॉटमेंट एंड फंक्शन ऑर्डर टू सम ऑर्डर इन सम यूनिट हैव बी ट्रिगरिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेशन एंड एलईडी टू कोर्ट केसेस।
उसके बाद फाइनली कह दिया गया है कि रिवाइज कैसे किया जाएगा, उसके लिए रूल नोटिस आपको अलग से दिया हुआ है एनेक्स, उसके अनुसार से किया जाएगा। उसके बाद और भी इसमें दिया हुआ है फाइनली, इट में बी आल्सो बी नोटेड द वाइल्ड मेथोडोलॉजी इन इम्प्लीमेंटिंग मर्जर ऑफ कैडर वुड बी एनेक्स, ए दिया हुआ है जिसके अनुसार से मर्जर होगा। लेकिन अब बात आती है कि अभी की जो वैकेंसी है, जो अभी की वैकेंसी है उसमें ये तीनों पोस्ट टीसी, टिकट क्लर्क आपका सीसी और ईसीआरसी एक ही में लिया गया है, इसलिए ये दोनों पोस्ट अभी वैकेंसी में नहीं शो कर रहा था, केवल टीसी की ही पोस्ट शो हो रहा है कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। तो कह सकते हैं कि ये मर्जर होने के बाद आपके लिए जब डिपार्टमेंट सिलेक्शन होगा या डिपार्टमेंट प्रमोशन होगी उसमें बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।